जी, तो आज हम आए हैं अभी आशियाना सेंटर, और यहाँ पे बहुत प्यारे ज्यादा मेहंदी के ड्रेसेस वगैरह लगे हुए हैं। इसके अलावा साड़ियाँ लगी हुई हैं। सबसे पहले आपको ये वाला का दुपट्टा दिखाऊं तो इसकी प्राइस भाई, ये कितने का दुपट्टा? 5,000 का, और इस पर सारा मिरर वर्क हुआ है दुपट्टे पे। और इसके अलावा यहाँ पे काफी ज्यादा वैरायटी है, स्पेशली मेहंदी के ड्रेसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। एक ये वाला मेहंदी का ड्रेस है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है, इस पर सारा मिरर वर्क हुआ है, जो कि आपको 12,500 का मिलेगा। और इसके अलावा इनके पास और भी ज़्यादा इसमें कलर्स वगैरह हैं, कलर स्कीम काफ़ी है यहाँ पे। और यहाँ पे वेलवेट के बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं, यहाँ पे भी ये शॉल्स लगी हुई हैं। इनकी भी मैं प्राइजेस पूछ के बताती हूँ भाई, ये शॉल कितने की है? 4,500 की। मतलब जिस तरह आप आगे आगे जाते हैं ना, शुरू की कुछ शॉप्स होती हैं वहाँ के रेट्स कुछ हाई होते हैं, पर जो जो आगे जाते जाए तो काफ़ी रिजनेबल ड्रेसेस भी जो है ना वो मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादातर स्टिच ड्रेसेस भी मिल जाएंगे, मैक्सीज वगैरह, साड़ियाँ वगैरह, इस तरह के फ्रॉक्स वगैरह मिल जाएंगे। इसकी क्या प्राइस है येलो फ्रॉक की? 14,500 का ये वाला फ्रॉक है। कैनकिन भी लगी हुई है, 3-2 पीस है। ओके, ये ब्लाउज अलग है इसके साथ, ये देखिए ये ब्लाउज इसका अलग है और ये नीचे जो है वो अलग है। इसके अलावा ये ओपन गाउन में है, एक ये फ्रॉक स्टाइल है, काफ़ी ज़्यादा फ्रॉक स्टाइल्स में भी हैं ड्रेसेस, ये बहुत प्यारे हैं रेडीमेड ड्रेसेस। और इसके अलावा यहाँ पे अंदर भी काफ़ी खूबसूरत ड्रेसेस वगैरह जो है डिस्प्ले हुए हैं। इसके अलावा आशियाना सेंटर में आपको ज़्यादातर काम वाले जो कपड़े हैं ना वो उनकी शॉप्स मिलेंगी, ज़्यादातर जो काम वाले इस तरह के, ये देखें इस तरह के जो है ड्रेसेस हैं ना इनकी शॉप्स ज़्यादा है यहाँ पे। ये इस शर्ट की क्या प्राइस है? ये जो आपके पीछे है 3 पीस। ये कपड़ा भी आपका ये रॉस्लेक प्योर रॉस्लेक होती है ना, ये इसके मुकाबले में है, ठीक है। इससे भी आपका कपड़ा जो है ना ये खराब नहीं होगा। रॉ सिल्क पे ये कितने का बनेगा? अच्छा, ये कितने का बनेगा? ये आपको बनेगा देखिए, इसके 2,000 रुपये भी काम है। और जैसे आप कह रही हैं ना कि मुझे शोल्डर से काम चाहिए, तो ये जो लेने आपकी है ना यहाँ पे हो जाएंगे, और दामन पे खाली एक आ जाएगी। दामन पे तो दामन पे भी चाहिए बॉर्डर, ठीक है। और बैग इसकी देख ले, बैग भी ये बॉटम है और स्प्रे है, ठीक है। अगर दामन पे भी काम अगर आप कहेंगी ना, फ्रंट बैक दोनों पे करना चाहेंगी या एक पे करना चाहेंगी? नहीं, सिर्फ फ्रंट के दामन पे, फ्रंट पे दामन तो बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 42,000। ये जो येलो वाला ड्रेस है इसकी क्या प्राइस है? 22,000। और ये ग्रीन, ये 28,000। आशियाना सेंटर के बेसमेंट में आपको ज्वेलरी की बहुत सी शॉप्स नज़र आएंगी, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे आप ज्वेलरी ना ही लें क्योंकि बहुत हाई रेट्स हैं इनके। तो ज्वेलरी के लिए हम इंशाल्लाह कमर्शियल मार्केट जो है वो विजिट करेंगे। अब हम जा रहे हैं जी राबी 2 में, वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या वैरायटी है। पहले हम स्टॉल पे जो है ना वो पर्स देख लेते हैं कि कैसे कितने कितने का बैग है। 1,000 की सेल है, कोई भी ले लें 1,000 का। अच्छा, लॉन्ग चेन के साथ है, ओके। इसके अलावा ये फर वाला डिजाइन भी मिल जाएगा, बहुत खूबसूरत सा बेल्ट है इसके साथ। अच्छा, इसके साथ बेल्ट है, ये छोटे से देखने ये कितने खूबसूरत लगते हैं, ये भी बहुत प्यारा है। इसके साथ बेल्ट भी है और ये चेन भी है, ये चेन स्टाइल में बहुत प्यारा है। इसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे से बहुत क्यूट क्यूट से, ये एक बहुत अच्छा है, इसके साथ ये हैंडल है, ओके। इसमें आपको एक्स्ट्रा कलर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, लॉन्ग स्ट्रिप भी मिल जाएगा साथ ही हैंडल के साथ है, और ये डबल साइड से ओपन होगा। अच्छा, ये दोनों साइड से जो है ना ओपन होता है। 1,000 रुपये की सेल है, ये राबी 2 के बिल्कुल बाहर का स्टॉल है।
यहाँ पे भी छोटे छोटे ये गुची के जो है कॉपी, थर्ड कॉपी कह लें, लेकिन ये है कि अच्छे रिजनेबल बैग्स हैं आम यूज के लिए मैचिंग ड्रेसेस के साथ। और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, ग्रीन और फिरोजी दो कलर्स के साथ, दो ड्रेसेस के साथ आपका ना ये बैग चल सकता है। और यहाँ पे ये बहुत प्यारे प्यारे हैं, इस साइड में बहुत ज्यादा बैग्स लगे हुए हैं, ये मल्टी कलर में है, ये बहुत प्यारा है भाई, इसका स्टफ भी बहुत अच्छा है, इतना ये सॉफ्ट बैग है और ये भी बहुत अच्छा है, इसके साथ ये चेन लगी हुई है। और मुझे जो है ये वाला बैग बहुत अच्छा लगा है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, आम रूटीन के लिए ना मार्केट वगैरह जाने के लिए, बहुत लाइट वेट है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इसी तरह के आम डेली यूज के लिए जो है ना चाहिए होते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा ये क्लॉथ बॉडी कलर इसमें, अच्छा इसमें दो कलर है, एक ये कलर है और दूसरा, अच्छा एक मुझे ये अच्छा लगा, ये भी बहुत सॉफ्ट है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, चेन भी बड़ी प्यारी है, बहुत शेबल है। ये चलते हैं राबी शू में, यहाँ पे देखते हैं क्या वैरायटी है। अच्छा आपको मैं एक शॉप का विजिट इसलिए नहीं करा रही कि काफी से लोग हैं ना वो बोर हो जाते हैं कि शॉप का विजिट करते करते, इसलिए हमने कहा कि हम थोड़ी डिफरेंट वैरायटी आपको दिखाते हैं। ये साड़ियाँ बहुत प्यारी लगी हुई हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी सब साड़ियाँ ही हैं। ये है जी स्टार प्लस वीर जी, ओके ये इंडियन है ना ड्रेसेज और इंडियन साड़ियाँ वगैरह। अच्छा ये 2500 मरीना है, सीजन ऑफ होने की वजह से 2200 का मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा रेशमी रेशमी सा लग रहा है, सिल्की मरीना है इसमें, और डिजाइन इसी कपड़े में सिल्की मरीना। और ये वाले कौन से हैं, ये भी सिल्की मरीना है। ये तो बिल्कुल जिस तरह एसी कंबल होता है ना, ये वो वाला स्टफ है। ये कितने का है खान, ये 2500 का टू पीस, ये पहन के बंदा बर्फों में जा सकता है, बहुत नरम कपड़ा है, नरम गरम। इसमें 6 कलर हैं, सही। और ये सारा मिरर वर्क हुआ है इस पे, शर्ट सेम इसी कलर की है, इसकी क्या प्राइस है, अच्छा ये 1000 रुपए की है। और ये जी 800, ये 800 का है, इसको ऐसे टर्न करो जी, बोल लो बेटा, कोई से नहीं है 800, बड़ा हजार का है, बड़ा 1000 का है, छोटा 800 का है, बस मतलब एक है ज्यादा बच्चों के, अच्छा ये छोटी बच्चियों का अपनी मर्जी से भी यहाँ से कपड़ा लेके तो स्टिच करवा सकते हैं। हाँ तो वही पड़ जाएगा कपड़ा में, देख रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस कलर का इस तरह पे इस पे बूटियां भी बनी हुई है, और ये शरारे के साथ है, शरारा थोड़ा छोटा लग रहा है, शर्ट ठीक लग रही है मुझे, 2000 का सूट है भाई खदर का, ये सेल लगी हुई है, सेल, लूट लो माल लगा रहे सब। और डिजाइन भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, ये भी बहुत प्यारा है, ये भी खदर में है और ये भी 2000 का, और भी इसके पीछे भी काफी है डिजाइन लगे हुए, ये भी बहुत प्यारा है। काश भाई बहुत अच्छी अच्छी मैंने आपको शॉपिंग करा दी है, बहुत अच्छी अच्छी जो है शॉप्स विजिट करवाई है, क्या क्या वैरायटी चल रही है वो दिखाई है, और कैजुअल भी दिखाए हैं, फैंसी भी दिखाए हैं, और अब हमें भूख लगी है तो यहाँ से अब लेते हैं फ्रूट वगैरह, फिर सैलड वगैरह, और फिर चलते हैं बाहर। हम ले रहे हैं जी यहाँ से मोमोज, जिस तरह आजकल डिफरेंट डिफरेंट कपड़ों का फैशन, इसी तरह खाने पीने में भी ना फैशन वाली चीज़ें आ गई हैं, मोमोज और पता नहीं क्या क्या। तो हसान को बड़ा शौक़ है जी मोमोज खाने का, हमने कहा चले हम यहाँ से मोमोज ट्राई करते हैं। तो ये 150 के जो है ना 3 मोमोज इन्होंने दिए थे, चिकन मोमोज थे इनके पास। तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने हर चीज़ कवर करके रखी हुई थी, इन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे, वैसे होता है ना उसी तरह ही ओपन, उन पर मिट्टी धूल पड़ी होती है ना, उन्होंने कोई ग्लव्स पहने होते हैं ना कुछ, इन्होंने हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा हुआ था। इसके अलावा इन्होंने 3-4 किस्म की जो है ना चटनियाँ वगैरह रखी हुई थी, सिर्फ वो सोया सॉस डाल के नहीं टरखा दिया था,
और ये अंकल बता रहे थे कि इनकी वाइफ और इनकी बेटी जो है ना ये मोमोज तैयार करके देती हैं, तो कोशिश किया करें कि लाजमी ऐसे लोगों से ना चीज़ें ख़रीद लिया करें। तो बस जी हम यहाँ पे मोमोज़ ट्राई करते हैं और काफ़ी अच्छे मोमोज़ थे। हसन से हमने इसका रिव्यू लिया तो भाई हसन को तो काफ़ी पसंद आए, उसको वैसे ही मोमोज़ पसंद है। अच्छा मुझे पर्सनली मोमोज़ नहीं पसंद क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ये जो ऊपर वाली इनकी स्किन होती है कुछ कच्चे कच्चे टाइप कुछ इस तरह का मुझे टेस्ट आ रहा था। हर बंदे की अपनी पसंद होती है, लेकिन हसन को जो है पसंद आए और हमारे पैसे पूरे हो गए। और यहाँ से मैं अपने लिए ले रही थी जी ये सलाद, और ये मतलब अच्छा खासा इनका जो है ना सलाद वगैरह बीच में फ्रूट वगैरह आपका पूरा एक मील का काम करता है, एक हेल्दी आपका जो है ना लंच हो जाता है। तो जब मैंने सैलेड लिया तो मुझे मेरी एक फ्रेंड की याद आ गई जो कि लाजमी जो है मेरा व्लॉग देखेंगी और वो पहुंच जाएंगी कि मैं किन फ्रेंड की बात कर रही हूँ। हम किसी ज़माने में मैं जिम करती थी तो जिम से वापसी पर जो है ना हम सैलेड लेते होते थे। तो खैर इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। इंशाल्लाह मिलूंगी एक और नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।